कुल चार प्रश्नों के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था किया था ना मेरे प्यारे साथियों ठीक है चार प्रश्नों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था तो एक बार सभी के सभी साथी लोग जुड़ जाएंगे ही मेरे साथियों हर्षवर्धन जी रुचिका नासा जी अजय कार्तिक मंदीप सपना चौरसिया जाइए चारू गुप्ता जाइए मेरे प्यारे साथियों सभी के सभी विष्णु निठारवाल आ जाइए सब के सब जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथियों जुड़ जाइए चलिए देखिए हमने पिछले था क्लास के बाद इसमें भी आंसर बिल्कुल राइट था तीसरा प्रश्न देखा ये वाला इसके अंतर्गत प्यारे साथियों आंसर इसमें भी था चौथा प्रश्न चार ने तीन ही किए थे हमने कल है ना तीन ही प्रश्न किए थे मेरे प्यारे साथियों देखिए इस प्रश्न का आंसर देंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपके सामने पहले साथियों वो आंसर क्या होगा देखिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बेटियों को कितने रुपए की राशि या कितनी राशि दी जाती है बढ़ाई गई है ना अभी आपके सामने राशि बढ़ाई गई है कि नहीं बढ़ाई गई है तो पैर साथियों राशि बढ़ाई गई थी कितने रुपए पैरे साथियों कर दिया गया वर्तमान में राशि कितनी मिलती है आपके सामने बताना मुझे बताइए शाबास क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए वेरी गुड मिस सालू तमर शाबाश विष्णु निठारवाल सपना शाबाश चलिए अरे ए कैसे होगा अरे सीताराम ए नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपके सामने बी होगा यानी मेरे प्यारे मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत जो बेटी है जिसके अंतर्गत प्यारे साथियों बेटी जो है वो लाभार्थी है ठीक है बेटी लाभार्थी है बेटी को जन्म से लेकर के प्यारे साथियों बारहवीं क्लास उत्तीर्ण करने तक सरकार के द्वारा प्यारे साथियों राशि दी जाती है सबसे पहला प्रश्न आपके सामने उठ रहा होगा मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत कुछ बातें हम देख लेते हैं प्यारे साथियों आ जाइए नोट डाउन करते रहना मैं साथ का साथ लिखाता जा रहा हूं आपको कॉपी पेन साथ में होगी आपकी आपके सामने हेडिंग डालनी है मुख्यमंत्री राजश्री योजना मुख्य मंत्री राजश्री योजना अगर मुख्यमंत्री राजश्री योजना की सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था समझ रहे हो बात को शुभारंभ कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों ठीक है शुभारंभ इस योजना का जो शुभारंभ हुआ था मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता देता हूं कि इस मुख्यमंत्री राजश्री योजना का शुभारंभ दो के अंतर्गत सॉरी दो हजार सोलह के अंतर्गत हुआ था एक जून दो हजार सोलह एक जून 2016 के अंतर्गत योजना लागू की गई थी कहां पर राजस्थान के अंतर्गत लागू की गई थी और राशि इसके अंतर्गत कितने आवंटित है इसके अंतर्गत राशि मेरे प्यारे साथियों आपको मैं बता चुका हूं पचास हजार रुपए की राशि आवंटित है ठीक है आवंटित राशि और वो राशि कितनी है वो है मेरे प्यारे साथियों पचास हजार रुपए की राशि अब ये पचास हजार रुपए की जो राशि है ना वो मेरे प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है कि ये पचास हजार रुपए की राशि एक साथ ही आपको हाथ में थमा दी जाएगी का? नहीं थमाई जाएगी बेटी के जन्म के समय जैसे बेटी जन्म होगी मतलब बेटी का जन्म होगा तो जन्म के समय मेरे प्यारे साथियों आपको हाथ में थमा दिए जाएंगे बेटी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे जन्म के समय कितने रुपए दिए जाएंगे पच्चीस सौ रुपए ठीक है पच्चीस सौ रुपए की राशि बेटी के जन्म होते ही आपके सामने प्यारे साथियों वो हो जाएगा फिर बाद में बेटी जैसे एक वर्ष की हो जाती है तो एक वर्ष के होने के बाद में उसका एक वर्ष का क्या लगता है टीका लगता है तो एक वर्ष का टीका लगने के बाद में पच्चीस रुपए की राशि आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाती है पच्चीस रुपए की राशि और दी दी जाती है ठीक है जन्म के समय पच्चीस सौ रुपए और एक वर्ष का टीका जब लगता है तो वो टीका लगते ही प्यारे साथियों पच्चीस सौ रुपए और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं इसके बाद जब बेटी एक वर्ष के बाद बड़ी होती रहती है तो जब वो क्या करती है सरकारी विद्यालय में सरकारी विद्यालय की पहली कक्षा में प्रवेश लेगी है ना सरकारी विद्यालय के अंदर जैसे मेरे प्यारे साथी हो ये जो है पहले वर्ष के अंतर्गत यानी पहली कक्षा के अंतर्गत जैसे ही प्रवेश लेगी तो उसके अंतर्गत उसको कितने रुपए दिए जाएंगे पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर चार हजार रुपए की राशि आपके सामने दी जाएगी इसके बाद आपके सामने पहली कक्षा के बाद में प्यारे साथियों जैसे देखो पहली कक्षा है सरकारी विद्यालय के अंदर ही सरकारी विद्यालय के अंदर ही जो है छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर कितने रुपए की राशि पांच हजार रुपए की राशि आपको दी जाएगी इसके बाद मेरे प्यारे साथियों दसवीं कक्षा दसवीं कक्षा पास करने के बाद में आपके सामने जो दी जाएगी वो दी जाएगी ग्यारह हजार रुपए की राशि ग्यारह हजार रुपए की राशि दसवीं कक्षा के अंतर्गत इसके बाद आपके सामने देखिए ध्यान रखना ये पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं किसी भी प्रकार से आपका एग्जामिनर आपके सामने प्रश्न डाल सकता है कि पहली कक्षा है जन्म के समय है एक वर्ष का टीका लगने के उपलक्ष्य पर यह आपके सामने छठी कक्षा दसवीं कक्षा के अंतर्गत कितने रुपए की राशि दी जाएगी बिल्कुल बिल्कुल शाबाश हाँ ठीक है ना यहां तक की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए फिर बाद में दसवीं के बाद में कौन सी कक्षा पास करेगी दसवीं के बाद में आपके सामने आएगी कक्षा बारहवीं और बारहवीं के अंतर्गत जो राशि दी जाएगी बारहवीं कक्षा में जो शेष जो भी राशि हुई पहले हो वो राशि कितनी आ जाएगी पच्चीस हजार रुपए तो पच्चीस हजार रुपए की राशि आपको क्या कर दी जाएगी आ, मतलब आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी तो ये बात आपको ध्यान कैसे भी आपके सामने परीक्षा में घुमा करके प्रश्न पूछा जा सकता है कि पचास हजार रुपए की राशि तो यहां पर पहले साथी हूं आवंटित है लेकिन वो पचास हजार रुपए मिलेंगे कैसे यह इसमें टर्म्स कंडीशन है कई लोग क्या करते हैं कि बेटी का जन्म हो गया ढाई हजार रुपए ले लिया एक वर्ष का टीका लगा दिया गवर्नमेंट में जाकर के रुपए और मिल गए पांच हजार रुपए का तो हम फायदा उठा लेते हैं मोटा मोटा लेकिन मेरे प्यारे साथियों पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाना प्रयास पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो वो क्या करते हैं बाकी की राशियों से जो है प्यारे साथियों वंचित रहते हैं ठीक है चार हजार पांच हजार ग्यारह हजार और पच्चीस हजार की राशि वो नहीं ले पाते क्यों क्योंकि सरकारी विद्यालय में वो एडमिशन नहीं करा सकते कराना करा पाते ठीक है उनको बस गवर्नमेंट की पैरे साथियों राशि चाहिए बस गवर्नमेंट का फायदा नहीं चाहिए ना तो चलिए यहां तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी मैंने जो अभी तक तो बात कही अब आपके सामने बात आती है कि शर्त शर्त क्या होगी एक तो यह शर्त होगी आपके सामने इसके अलावा और शर्त यदि मैं आपको बताऊं तो सबसे मोटी जो शर्त है वो एक तो यह है मेरे प्यारे साथियों इस योजना के अंतर्गत आपको फायदा उठाने के लिए आपके जो बेटी हैं उनका जो जन्म मेरे प्यारे साथियों सरकारी अस्पताल में होना जरूरी है अस्पताल ठीक है शर्त के अंतर्गत जन्म और ये जन्म कहां पर जन्म मेरे प्यारे साथियों सरकारी अस्पताल में होना आवश्यक हो है अगर सर... सरकारी अस्पताल में अगर जन्म नहीं होता है तो अगर सरकारी अस्पताल के अलावा अगर आप कोई भी प्राइवेट अस्पताल के अंतर्गत आपकी बेटी का जन्म होता है तो प्यारे साथियों वो जो प्राइवेट अस्पताल है ना वो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो है पंजीकृत होनी चाहिए ठीक है जननी सुरक्षा योजना जननी सुरक्षा के साथ पंजीकृत पंजीकृत होना चाहिए ठीक है ना यहां तक की बात आपको समझ में आ जाना चाहिए जननी सुरक्षा योजना के तहत जननी सुरक्षा योजना के तहत आपका जो प्राइवेट निजी अस्पताल है वो क्या होना चाहिए वो मेरे प्यारे साथियों मतलब कि पंजीकृत रजिस्टर्ड होना चाहिए गवर्नमेंट की योजना के तहत ठीक है यहाँ तक की बात आपको समझ में जानी चाहिए तो मुख्यमंत्री योजना का प्रारंभ शुभारंभ लागू हुई थी एक जून दो हजार सोलह में, में जन्म के समय दो, दो पांच एक वर्ष का टीका लगने पर दो रुपए सरकारी विद्यालय की पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर चार रुपए छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर पांच रुपए दसवीं कक्षा के अंतर्गत ग्यारह हजार कक्षा में पच्चीस यहां तक की बात समझ में इसके बाद आपके सामने इस अंतर्गत कंडीशन रखी गई है कि बेटी का जन्म या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होता तो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत होना चाहिए जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो है यह पंजीकृत होनी चाहिए कौन जो आपका निजी अस्पताल है ठीक है शाबाश क्या बात समझ आ गई क्या तक तक की बात तक बात समझ समझ आ गई सबको? अभी जो बताई आपको में आई कि नहीं आई ये बताओ मुझे प्यारे साथियों इसका आंसर तो बी होगा और इसके अंतर्गत मैंने आपको बता दिया प्यारे साथियों कैसे होगा पूरा डिटेल हमने देख लिया इसके नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न आता है कि भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहां पर स्थित है बाडमेर जैसलमेर जोधपुर पाली बताइए बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर पाली निम्न में से मेरे प्यारे साथियों आंसर देना आपको ये जो ऑप्शंस दिए हुए आपके सामने इनमें से आपको जो है बत, बताना है कि क्या है इसका आंसर शाबाश एस एस राठौड़ प्रेम भंबू मनीषा गोदारा, संजू चौधरी माही मीणा सबास अबास, अमन यादव बहुत बढ़िया हाँ ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा मेरे प्यारे साथी हो वो होगा बाढ़ में बिल्कुल सही है बिल्कुल राइट आंसर है इसका आंसर होगा बाडमेर और बाडमेर में भी स्थान कौन सा आएगा पचपदरा पचपदरा जो बाडमेर है पचपद्रा बाडमेर के अंदर भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र स्थित है पचपद्रा बाडमेर में अब इसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों तेज गति से लिखो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियों का रेलगाडियों का परीक्षण किया जाएगा परीक्षण किया जाएगा समित्र बात को तेज गति से चलने वाली जो है तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियों का परीक्षण मेरे प्यारे साथियों इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा कौन सी योजना मतलब कौन से विभाग के अंतर्गत इस अनुसंधान परीक्षण केंद्र के अंतर्गत के कहां पर खोला गया है केंद्र ये पचपद्रा बाड़मेर के अंतर्गत खोला गया है अब तेज गति के अंतर्गत कौन सी कितनी गति होनी चाहिए मिनिमम प्यारे साथियों अगर गति पूछ ले तो आपको ये गति जो है तेज गति के अंतर्गत एक किलोमीटर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो भी ट्रेन चलती है जो भी रेलगाड़ियां चलती है उन ट्रेनों का परीक्षण मेरे प्यारे साथियों पर किया जाएगा और इसी पचपदरा बाडमेर के अंदर साढ़े सत्ताइस किलोमीटर साढ़े सत्ताईस किलोमीटर लंबा दो सात पॉइंट पांच किलोमीटर लंबा लंबा क्या बनाया गया है रेल मार्ग बनाया गया है रेल मार्ग बनाया गया है ठीक है किसके लिए ये रेल मार्ग परीक्षण करने के लिए मतलब टेस्ट करने के लिए मेरे प्यारे साथियों साढ़े सत्ताईस किलोमीटर लंबा रेल मार्ग बनाया गया है और ये कहां से कहां तक है पचपद्रा से बाडमेर तक है पचपदरा से बाडमेर तक ये ट्रैक बनाया गया है ठीक है रेल मार्ग बनाया गया है ठीक है पचपदरा से बाड़मेर तक साढ़े सत्ताईस किलोमीटर सत्ताईस पॉइंट पांच किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक बनाया गया है क्या यहां तक की बात समझ आ गई आपको अरे समझ में आ गई कि नहीं आई सीताराम ताराम डोल तेरा लाइक तो करे ओके 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 मेरे प्यारे साथी हो शाबाश उतार रहे हैं सर उतारो उतारो मेरे प्यारे साथी उतारो थम लगा करके भेज देना जैसे उतालो मैं आगे बढ़ दूंगा ठीक है हम्म चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते पहले साथी उसको हम मिटाते हैं और मिटाते हुए गए देखिए पांचवा प्रश्न हुआ पांचवें प्रश्न के बाद आपके सामने आती है बात कि सातवीं आर्थिक गणना कब हुई थी जनगणना नहीं पूछ रहा है ये पूछ रहा है आर्थिक गणना मेरे प्यारे साथियों क्या पूछ रहा है ये सातवीं आर्थिक गणना कब हुई थी सर 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 ये क्या हुई है हमें तो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी के बारे में नहीं पता है और आपने तो डायरेक्ट कितनी पूछ ली सातवीं पूछ ली तो मेरे प्यारे साथियों जो पूछा उसका आंसर दे इसके बाद हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि पहली से लेकर के छठी जो गणना है आर्थिक गणना वो क्या है मेरे प्यारे साथियों आ जाइए शाबास चलिए समझ में आ गई बात यहां तक यहां तक की बात समझ में आ गई क्या आंसर दीजिए फटाफट भट से मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए दो हजार बीस दो हजार उन्नीस दो हजार सत्रह और दो हजार सातवीं आर्थिक गणना कब हुई थी आवास, आवास, आवास। बहुत अच्छे देखो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपके सामने ये ये कौन सा है बी बी मतलब प्यारे साथियों सातवीं आर्थिक गणना सातवीं आर्थिक गणना कब हुई थी दो में हुई थी यहां तक की बात तो आपको समझ में आ जाएगी भारतीय सरकार केंद्र सरकार की गणना थी मेरे प्यारे साथियों सातवीं आर्थिक गणना आ जाइए अब ये आर्थ, आर्थिक गणना क्या होती है क्यों ये गणना की जाती है अब तक कितनी गणना हुई थी कब कब ये गणनाएं की गई थी पहले साथी इसके अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहली बात देखिए सबसे पहली चीज आप लिखिए यहां पर एक दो तीन चार पांच और छह मतलब समझ में ही बात आपको आपको यहां की मतलब बात समझ में कि पहली आर्थिक गणना दूसरी आर्थिक गणना तीसरी आर्थिक गणना और मेरे प्यारे साथी और चौथी पांचवी और ये छठवीं ये छह आर्थिक गणनाएं आपके सामने मैंने लिख दी अब छह आर्थिक गणना में आपको पूछ ले जाए कि भारत की पहली आर्थिक गणना कब आयोजित की गई तो भारत की पहली आर्थिक गणना पहले साथियों नाइनटीन सेवनटी सेवन उन्नीस में आयोजित की गई थी 1977 में भारत की पहली आर्थिक गणना लिख लो लिख लो भारत की पहली आर्थिक गणना भारत की पहली आर्थिक गणना कब हुई थी 1977 में प्यारे साथियों ये ठीक है 1900 प्यारे साथियों 1977 में प्यारे साथियों 1977 के बाद में आती है 1980 ये दूसरी थी ये आ जाती है आपके सामने 1990 1990 के बाद में आ जाती है 1998 और 1998 में के बाद में आ जाती है 2000 दो हजार कितने पांच आएंगे मेरे दो हजार पांच और दो हजार पांच के बाद में आ जाएगी आपके सामने दो हजार तेरह की बात समझ में आ गई 2005 और 2013 की तक की बात समझ में आ गई यानी साथी आपके सामने प्रश्न तो था सातवीं आर्थिक गणना कब आयोजित की गई थी दो में लेकिन छह आर्थिक गणनाओं के अंतर्गत पूछा जाए तो भारत की पहली आर्थिक गणना कब आयोजित हुई थी भारत की पहली आर्थिक गणना हुई थी 1977 में इसके बाद दूसरी 1980 में तीसरी 1990 में चौथी मेरे प्यारे साथी उन्नीस सौ में पांचवी दो पांच के अंतर्गत साथियों देखिए पांच और पांच 2005 के अंतर्गत पांचवी आर्थिक गणना ठीक है याद रह जाएगी छठी 2013 के अंतर्गत और सातवीं दो हजार उन्नीस के अंतर्गत होती है अब यहां पर मोटा मोटा कीड़ा उठता है मेरे प्यारे साथियों कि जो आर्थिक गणना क्यों की जाती है क्यों की जाती है यानी आर्थिक गणना जो की जाती है ना वो क्यों की जाती है वट इज द रीजन ठीक है क्यों आर्थिक गणना की जाती है तो इसका सबसे बड़ा रीजन आपके सामने पता चलना चाहिए आपको कि वो ये आर्थिक गणना जो की जाती है ना वो क्यों की जाती है ध्यान रखना देश की जो भी भौगोलिक सीमा है देश की भौगोलिक सीमा में जो भी व्यवसायिक पैर साथियों जो भी व्यवसायिक इकाइयां कार्य करती है उनकी गिनती करना क्या देखो देश की भौगोलिक सीमा में कार्यरत सभी व्यवसायिक इकाइयों की गिनती करना गिनती की जाती है ठीक है यानी कि आर्थिक गणना क्यों की जाती है देखो यहां पर शब्द का यूज किया भौगोलिक सीमा में कार्यरत भौगोलिक सीमा का मतलब प्यारे साथी वही भारत की जो मुख्य भूमि है

टोटल पूछ ले अब तक कितनी आर्थिक गणनाएं हो चुकी है तो आपका आंसर होना चाहिए हो और इसके बारे में डिटेल देखते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल देखते हुए पहले साथियों मैं आपको बता देता हूं कि भारत की पहली आर्थिक गणना मतलब जो दो वाली हुई थी ना उसके बारे में पूछा जाएगा तो दो में जो सातवीं आर्थिक गणना थी सातवीं आर्थिक गणना थी तो ये जो 2000 हजार में सातवीं आर्थिक गणना थी ना इसके अंदर मेरे प्यारे साथी आपसे पूछा जाए कि जो दो हजार उन्नीस की सातवीं आर्थिक गणना के अंदर जो सबसे, में सबसे भारत में सबसे पहले भारत में सबसे पहले भारत, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य से शुरुआत की गई थी त्रिपुरा से शुरुआत की गई थी ठीक है त्रिपुरा से शुरुआत की गई थी भारत की पहली मतलब ये दो हजार उन्नीस वाली सातवीं आर्थिक गणना थी ठीक है अब चलो इसके बाद नेक्स्ट आपको मैं बताऊं थोड़ा सा और हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत कि राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो राजस्थान के अंतर्गत दो रूपों पे इसका डिवाइडेशन किया जाता है यानी कि राजस्थान में आर्थिक गणना राजस्थान में, में कितने चरणों में हुई थी है? दो चरणों के अंदर हुई थी पहला चरण ठीक है और यह आता आपका दूसरा चरण सेकेंड चरण दूसरा चरण तो यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है कि मैंने जो आपकी बात कही क्या कहा मैंने मैंने आपको कहा कि राजस्थान में सातवीं आर्थिक गणना 2019 में आयोजित की गई थी ना कितने चरणों में आयोजित की गई थी दो चरणों में पहले चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया था तो पहले चरण के अंतर्गत मेरे प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है कि पहले चरण के अंतर्गत राजस्थान के टोटल जिले में शामिल किए गए थे कितने पंद्रह जिले और दूसरे चरण में अठारह जिले अठारह जिले तो पंद्रह और अठारह राजस्थान के कितने जिले हो जाएंगे फिर ये तैतीस जिले जाएंगे तो पूरे तैतीस जिलों के अंतर्गत मेरे प्यारे साथियों ये आर्थिक गणना होती लेकिन चरण थे दो पहले चरण में पंद्रह जिले और दूसरे चरण में जिले डायरेक्ट संख्या पूछी जा सकती है कि सातवीं आर्थिक गणना में राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया था तो सातवीं आर्थिक गणना में पूरे तैतीस जिलों को शामिल किया गया था लेकिन पहले चरण में पंद्रह जिले और दूसरे चरण में अठारह जिले ऐसे करके टोटल जिले आपके सामने आ जाते हैं वेरी गुड ठीक है तैतीस जिले अब आपके सामने पूछ ले जाए पंद्रह जिलों में से कुछ जिलों के अगर मैं नाम आपको बताऊं तो पंद्रह जिलों में से साथियों आपके सामने जो आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत चार जिले आते हैं जिनका नाम मैं आपके सामने लू तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ ठीक है ना हाँ सावास. कोटा बूंदी बारा और झालावाड तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ ये चार जिले आते हैं इन चारों जिलों के अलावा एक जिला सॉरी दो जिले और आते हैं सिक्कर और दोसा मैं पूरे पंद्रह जिलों के नाम नहीं लिखा रहा हूं लेकिन आपके सामने इंपोर्टेंट जो साथी लाखेरी बूंदी कहा किसके लिए जो है सीमेंट के लिए इसलिए इंपोर्टेंट ही है तो पूछा जा सकता है यहां पे अट्ठारह जिलों के अंतर्गत भी अगर एक दो जिलों के नाम आपको लिखने हैं तो उदयपुर जयपुर और जोधपुर ठीक है उदयपुर जयपुर और जोधपुर उदयपुर जयपुर जोधपुर ये बड़े बड़े इलाके हैं इन तीनों जिलों के साथ में टोटल जिले शामिल हो जाएंगे अट्ठारह ठीक है तो सेकंड चरण के अंतर्गत तो देख लो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने किस किस चीज के बारे में चर्चा की थी पहले साथियों आपका जो प्रश्न था आपका जो आज का क्वेश्चन था वो इससे रिलेटेड था कि सातवीं आर्थिक गणना कब की गई थी इसका आंसर था 2019 अब 2019 के अंतर्गत तो सातवीं थी लेकिन अन्य छह आर्थिक गणनाएं कब की गई थी अन्य छह आर्थिक गणनाओं का पहले साथियों आयोजन किया गया था देखिए आपके सामने पहले आर्थिक गणना 1977 दूसरी 1980 तीसरी 1990 चौथी 1998 पांचवी 2005 और छठी 2013 इसके बाद बात की जाएगी भारत की पहली आर्थिक गणना कब की गई ये यह साथी आपके सामने 1977 के अंतर्गत आ जाएगी क्यों की जाती है क्योंकि देश की भौगोलिक सीमा के अंदर कार्यरत सभी व्यवसायिक इकाइयों की गिनती की जाती है आर्थिक गणना के अंतर्गत ध्यान रखना भौगोलिक सीमा के अंदर कार्यरत है इसके बाद उन्नीस में जो सातवीं आर्थिक गणना की गई थी उस वो भारत के अंदर सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी कहां से त्रिपुरा राज्य से लेकिन राजस्थान के अंदर कितने चरणों में आयोजित थी दो चरणों में पहले चरण में जिले कितने थे पंद्रह दूसरे चरण में कितने थे मतलब अट्ठारह ऐसे करके राजस्थान के टोटल जिले कितने हो जाते तैतीस पंद्रह जिले पंद्रह जिले यानी कि पहले चरण के जिलों के नाम आपके सामने आपके सामने आ जाते हैं कोटा बूंदी बारा जलावट सीकर और दोसा ठीक है यहां तक की बात आपको याद रखनी है और आपके सामने जो है अट्ठारह जिले उदयपुर जयपुर जोधपुर ये अठारह जिले मेरे प्यारे साथियों सेकंड चरण के अंतर्गत आ जाते हैं क्या यहां तक की बात समझ आ गई क्या यहां तक की बात समझ आ गई तो चलिए मेरे प्यारे साथियों अगर समझ में आ चुकी है तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपके सामने सात नंबर का प्रश्न आता है फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िए तब तक मैं पानी पी लेता हूं पढ़िए इस क्वेश्चन को पढ़िए और प्रश्न है कुसुम योजना के बारे में इन कथनों पर विचार कीजिए करोद के विचार करना आता है क्या विचार कुसुम योजना के बारे में जो भी दिए गए कथन है उनके ऊपर प्यारे साथियों विचार करना आपको विचार कीजिए और मुझे आंसर दीजिए फटाफट से बताइए मेरे प्यारे साथियों शबास हम्म सात नंबर का प्रश्न है देखिए मैं पढ़ लेता हूं कुसुम योजना के अंतर्गत पहला पॉइंट इस योजना की घोषणा 2018 के केंद्रीय बजट में की गई थी कुसुम योजना के अंतर्गत पूछ लिया जाए कि इस योजना के अंतर्गत किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं इसके बाद में सरकार किसानों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त जो भी सौर ऊर्जा है वो सरकार को क्या कर सकती है खरीद लेगी मतलब सरकार को बेच सकती है किसान सर, सरकार को बेच देंगे ये अतिरिक्त सौर ऊर्जा बताइए इनमें से कौन सा पॉइंट सही है और कौन सा गलत है बताइए मेरे प्यारे साथियों बताइए हम्म ठीक है सबास, सबास, सबास। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना वो मेरे प्यारे साथियों डी होगा यानी कि तीनों के तीनों जो कथन दिए गए वो तीनों के तीनों राइट कथन है ठीक है बिल्कुल सही कथन है ये तीनों के तीनों यानी कि कत... यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि 2018 प्यारे साथियों घोषणा बोला है इसने कुसुम योजना की घोषणा 2018 में लेकिन लागू कब की गीती दो हजार में समझ रहे हो क्या मेरी बात को मैंने क्या कहा कि कुसुम योजना की घोषणा के बारे में बोला क्या है इस योजना की घोषणा 2018 के केंद्रीय बजट में की गई थी भाई घोषणा करेंगे तभी तो लागू होगी ना पहले घोषणा की जाएगी तो 2018 में घोषणा कर दी लागू दो में कर दी ठीक है जनवरी दो सॉरी फरवरी दो के अंतर्गत इसको लागू कर दिया गया था चलिए इसके कुसुम योजना के अंतर्गत थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं क्या है तो वही बात आती है घूम फिर करके कि हेडिंग डालनी आपको के यू एस यू एम कुसुम तो कुसुम योजना के अंतर्गत देखते हैं कि क्या है ये पहली चीज तो कुसुम का पूरा नाम कुसुम का क्या देखना है अपने को पूरा नाम देखना है तो कुसुम का पूरा नाम देखने के लिए मेरे प्यारे साथियों आप यहां पर लिखेगा कुसुम का जो पूरा नाम आता है वो आएगा किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं समझ रहे बात को किसान कैसे किसान उसे ऊर्जू सॉरी ऊर्जा और ऐसे सुरक्षा एवं मेरे प्यारे साथियों उत्थान महाभियान उत्थान महा अभियान ठीक है पहला तो आपको ये बात ध्यान रखने की पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना है कि कुसुम के अंतर्गत आपको ये बात ध्यान रखने की इस कुसुम का पूरा नाम क्या होगा ये इसका पूरा नाम होगा इसके बाद साथ इसके बाद जो होगी जो ये बात होगी कि इस योजना को लागू दो रूपों के अंतर्गत किया गया था पैर साथियों मतलब कि जो ये योजना है इस योजना का लागू करने का जो जरिया था वो कितने थे लागू करने के जरिए मेरे पैर साथियों कितने थे दो तरीके थे एक तरीका आपके सामने आता कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय मंत्री मंडल केंद्रीय मंत्री त्रिमंडल के द्वारा इस योजना को 12 फरवरी 12 फरवरी दो में क्या दे दी थी स्वीकृति दे दी थी या मंजूरी दे दी थी ये लिखो ठीक है मंजूरी दे दी थी अब यहां पर बात आती है कि जो आपका एम एन आर ई एम एन ई का मतलब पहले साथी नवीन और नवीनीकरण ठीक है नवीन और नवीनीकरण नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आता है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आता है उसके द्वारा स्वीकृति दे दी गई थी आठ मार्च दो के अंतर्गत ठीक है एम एन आर ई यह एक मंत्रालय आता है उस मंत्रालय के द्वारा क्या कर दिया गया था उस मंत्रालय के द्वारा मेरे प्यारे साथियों 8 मार्च 19 ओ 8 मार्च 2019 के अंदर क्या थी? इसको स्वीकृति दे दी गई थी स्वीकृति दे दी गई थी ठीक है स्वीकृति दे दी गई थी, थी और दो के अंतर्गत योजना लागू कर दी जाती है लेकिन प्यारे साथियों ध्यान रखना आपको कि इस योजना की घोषणा कब की गई थी घोषणा अभी भी आपके सामने कथन में लिखा हुआ था 18 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी अब आप आइए कि इस योजना में है क्या यानी उद्देश्य क्या है इस योजना का एम क्या है इसका मेन उद्देश्य क्या है उद्देश्य ठीक है इस योजना के अंतर्गत हम बात करें कि इस जो योजना है ये योजना आपके सामने जो प्रस्तुत की गई है इस योजना का मेन एम क्या है मेरे प्यारे साथी मैं आपको इस उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य अगर हूं तो योजना का उद्देश्य आपको ध्यान रखना है कि सौर ऊर्जा के पंप लगाने के लिए योजना लागू की गई है सौर ऊर्जा के पंप लगाने के लिए ठीक है तो लिखिएगा किसानों के लिए सौर ऊर्जा के पंप सौर ऊर्जा के पंप लगाना तो हम तो ऐसे ही लगा लेंगे ये योजना लागू करने की क्या आवश्यकता थी हमारे में इतना ज्ञान नहीं क्या जो हम नहीं लगा सकते क्या है किसका है प्यारे साथी लड़ाई किसकी है पैसे की तो है तो सरकार ने प्यारे साथियों किसानों को किसानों को प्यारे साथियों फायदा देने के लिए ये कुसुम योजना लागू की गई सौर ऊर्जा पंप लगाने के अंतर्गत जो किसान है वो क्या करेगी किसानों को सरकार देगी प्यारे साथियों सरकार किसानों को सरकार क्या देगी अनुदान देगी अनुदान देगी और अनुदान कितना परसेंट होगा इसका सिक्सटी परसेंट यानी साठ प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा किसको किसानों को जो भी किसान सौर ऊर्जा का पंप अपने खेत में लगवाना चाहता है प्यारे साथी उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के क्या देगी साठ परसेंट का योगदान देगी जिसमें प्यारे साथियों आपके सामने राज्य सरकार राज्य से पहले आप केंद्र सरकार लिखेंगे केंद्र सरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों के दोनों क्या करेंगे इसका जो बजट रखा गया है वो 50 अनुपात 50 रखा गया है 50 अनुपात 50 का मतलब प्यारे साथियों 60 परसेंट में से 30 परसेंट अनुदान राज्य सरकार देगी और 30 परसेंट अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा अब बचा 40 परसेंट समझ आ रही है कितना बचा चालीस परसेंट भाई साठ परसेंट सरकार दे रही है तो बच्चा चालीस परसेंट तो है चालीस परसेंट के अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करूं ये चालीस परसेंट आपके सामने बचा है इस चालीस परसेंट में से सरकार कहती है कि तीस परसेंट तो आपको क्या मिल जाएगा बैंक से लोन मिल जाएगा बैंक से लोन मिल जाएगा और प्यारे साथियों बैंक से लोन मिल जाएगा किसके अंतर्गत ट और आपको जो राशि लगानी पड़ेगी वो मात्र और मात्र कितने लगानी पड़ेगी हंड्रेड परसेंट मेंसेंट सरकार दे रही है 30 आपको बैंक से लोन मिल रहा है आपको खर्च देव से कितना करना पड़ रहा है मात्र 10%. और इसके अलावा आप ये हंड्रेड परसेंट तक का पूरा पैर साथी ये प्रोसेस कर देते हो तो सरकार क्या कह रही है आप सौर ऊर्जा से जो उत्पादन करोगे वो ऊर्जा पैर साथियों उस ऊर्जा में जो आपके काम में आ रही है उसके काम में लो जो बच रही है वो सरकार को बेच दो सरकार आपको और पैसा देगी मतलब आप किराए पे दे सकते हो सौर ऊर्जा को समझ आ रही कितना है। hmm. क्या इतनी सी बात समझ आ गई प्यारे साथियों यहां से पर्सन बहुत सारे पुटअप होने की संभावना बनती है आप भले इस चीज को मजाक में ले लेना लेकिन ये जो डेटा है ना ये डेटा हवार धुआं कहां से निकालेंगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा ठीक है ध्यान रखना एक चीज आपके सामने और प्रस्तुत होती है कि इस योजना के अंतर्गत जो सौर ऊर्जा का पहला प्लांट लगाया गया था राजस्थान के अंदर है। वो लगाया गया था जयपुर जिले के अंदर एक स्थान है जोटवाड़ा जोटवाड़ा पंचायत समिति का नाम है गांव का नाम है तो कपड़ियावास गांव आता है पहले साथियों तो ध्यान रखना कि इस योजना के अंतर्गत लिखो लिखो लिखो, लिखो नेक्स्ट लिखो इस योजना के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत 20 जून 2020 जयपुर के जयपुर की झोटवाड़ा पंचायत समिति के ठीक है इस योजना के अंतर्गत 20 जून 2020 के दिन झोटवाड़ा पंचायत समिति का गांव आता उस गांव का नाम आता कापड़ियावास कापड़िया कापड़ियावास कापड़ियावास गांव ठीक है कापड़ियावास गांव में कापड़ियावास गांव के अंदर क्या किया गया मेरे प्यारे साथियों कापड़ियावास गांव के अंदर सात पॉइंट पांच एचपी का एचपी का राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पंप लगाया गया सौर ऊर्जा पंप लगाया गया क्या यहां तक की बात समझ में आ गई आपको क्या यहां तक की बात समझ में आ गई कि राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पंप कहां पर लगाया गया राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पंप मेरे प्यारे साथियों जे मतलब सात पॉइंट पांच वाला इससे पहले भी हालांकि पांच एचपी का लग चुका है यहां पे पांच एचपी का लग चुका है ठीक है लेकिन सात पॉइंट पांच एचपी का पहला राजस्थान का पहला सोर ऊर्जा पंप कहां पर लगाया गया था वेरी गुड मेरे प्यारे साथियों यहां तक की बात आपको समझ में आ चुकी होगी ठीक है चलिए शाबाश बहुत बढ़िया ठीक है ना आशा करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी चलिए मेरे साथियों हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते देखिए हमने जो अभी तक पढ़ा एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं क्लास में ये याद हो रही है आपको पूछा गया है कि कुसुम योजना कुसुम योजना का पूरा नाम क्या है कुसुम का पूरा नाम है किसान ऊर्जा सुरक्षा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान ठीक है दूसरा आपके सामने पूछ लिया जाए अभियान है ये जो अभियान चलाया गया कुसुम योजना का इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2018 के अंतर्गत कर दी गई थी ये योजना लागू करने का प्यारे साथियों दो तरीके थे एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 2019 के अंतर्गत इसकी मंजूरी दी गई थी और एम एन आर आर ई साथी एक मंत्रालय है इस मंत्रालय के द्वारा 8 मार्च 2019 के अंतर्गत स्वीकृति दी गई थी और आपके सामने उद्देश्य की बात की जाए तो सौर ऊर्जा के पंप लगाना इसका इसका प्रमुख उद्देश्य आता आता है है 40 साथी योगदान किसके पास किसान के पास में लेकिन सरकार के द्वारा इसमें 60 परसेंट योगदान दिया जाएगा जिसमें राज्य और केंद्र सरकार द्वारा 50 50 परसेंट प्यारे साथियों मतलब कि 50 अनुपात 50 इसका बजट है जिसमें 30 30 परसेंट का अनुदान देगी और किसान को यह और फायदा दिया गया है कि 30 परसेंट आप बैंक से लोन ले सकते हो और 10 परसेंट आप खुद अपने जेब से खर्च करोगे इस योजना के अंतर्गत बात करें तो 20 जून 2020 के दिन जयपुर की एक पंचायत समिति आती है जोटवाड़ा पंचायत समिति और जोटवाड़ा पंचायत समिति का गांव आता, आता है कापड़ियावास गांव कौन सा गांव आता है कापड़ियावास गांव और ये कापड़ियावास गांव प्यारे साथियों राजस्थान का पहला गांव है जहां पर 7.5 एचपी का राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पंप लगाया गया बताइए बताइए मेरे प्यारे साथियों ये कुसुम योजना पूरी समझ में आई कि नहीं अगर कुसुम योजना से रिलेटेड एक पर्सन भी आपकी परीक्षा में बिड़ गया लाइफ बन जाएगी लाइफ मेरे प्यारे साथियों ठीक एक परसन भी आ गया था यहां से रिलेटेड अब योजना के कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, मेरे लगा सकते हैं। लगा तो रहा है। सरकार किसानों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा को बिल्कुल अभी मैंने बताई दिया था 2018 के अंतर्गत इसकी घोषणा कर दी गई थी समझ में आ गई क्या यहां तक की बात प्यारे साथियों यहां तक की बात समझ में आ गई तो एक बार मुझे थम लगा करके भेज दीजिए ठीक है सबस ठीक है ना हम्म तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं प्यारे साथियों आशा करता हूं क्लास पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना